और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर अकाली दल ने मंगलवार को राज्य भर में पंजाब सरकार के खिलाफ धरना लगाकर रोष प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आज पेट्रोल डीजल आम लोगों की पहुंच से दूर होता जा रहा है और इसीलिए केंद्र और राज्य सरकार इसके जिम्मेदार है। पंजाब सरकार को पहल करते हुए अपने तरफ से पेट्रोल पर लगाया जाता है वैट और इसे कम करना चाहिए। साड़ी मांग ये है कि आज पेट्रोल ते पंजाब की सरकार 22.60 रुपए लीटर मगर वैट ले रही है, डीजल ते 8 रुपए वैट ले रही है कि जे इन्होंने खत्म नहीं करना घट्टो घट्ट इनू इन्ना क घटा देन ताकि लोगों को राहत मिले। कैप्टन सरकार के झूठे वादे वो खिलाफ धरना किया गया। सरदार महेशिंदर सिंह गरेवाल साहब साबका मंत्री शरणजीत सिंह ढिल्लों तो रणजीत ढिल्लों की आवाज़ दिता गया। मैं समझदा कि कांग्रेस सरकार ने कहा कि चंडीगढ़ की तरज से पेट्रोल तो डीजल किया जाऊगा, अज वैट की जी बहुत ज़्यादा जी उ लगाई गई है वो 8 रुपए डीजल तो 4-5 रुपये जरा 8 रुपये पेट्रोल तो 4-5 रुपए डीजल किया गया। मैं समझता कैप्टन सरकार सुता पाया, चाहे सिद्धू है तो चाहे मनप्रीत बादल है चाहे कैप्टन साहब है, अपनी अपनी डफलियां बजाने लगे आ। इन्हों लोगों की कोई परवाह नहीं, अब लोगों की परवाह देखते हुए सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब तो कोर कमेटी के हुक्म अनुसार सारा काम किया। पंजाब सरकार की नाकामी के खिलाफ पंजाब के लोगों का रोह लोगों तक पहुँचाने लिए धरना दिता गया। श्रोमणी अकाली दल ते वीर भारतीय जनता पार्टी के सारे साडे वर्करां ने जोश ते होश नाल और जत्थेदार रणजीत सिंह ढिल्लों जी की अगवाई हेठ अज असीं धरना दिता, क्योंकि पंजाब सरकार हरेक फ्रंट ते फेल इन्हां ने जिन्ने वादे करके झूठ बोल के सरकार बनाई सी उहदा सारा नतीजा सामने आउण लग गया। कई गल्लां बहुत अहम ने पंजाब दे, जिहड़ा हाल है रेत माफिए दा जिस तरह चलन चल रहा है कि उन्होंने हौसले इन्ने खुल गए ने कि वो हर आदमी तुसीं हो करदे ने ते जो मर्जी करदे ने, उन्होंने कोई रोकने वाला नहीं। जिस तरह अज रेत का हाल है पंजाब च वो बहुत माड़ा है। शासन की है, लोग डीसी के दफ्तर नहीं आ सकते? ये दफ्तर बनया कि है भूत प्रेतों लिए बंद बनया, जे लोग आके डीसी अपनी गल नहीं कह सकते होर कौन आऊगा? नारे लगने हैं पार्टी के, क्यों नहीं लगने? कांग्रेसी साढ़े वेले विधानसभा बैंचों से बह पाते रहे, 3 दिन अंदर धरना मारी बैठे। अकाली दल ने तो हमेशा कानून की सराहना की है। ਸ਼ਬੀਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਬੀਲ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਸ਼ਬੀਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ, ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਡਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੰਡਾਲ ਨੇ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਿੰਦੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਪਿੰਦੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।